सो हेलो गाइज, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो गाइज, आज मैं आप सभी के साथ एक काफी ज्यादा, जितने भी ऑप्शंस बाहर है खुश हो जाओ, काफी ज्यादा जानदार स्कैल्पिंग रिलेटेड ऑप्शन स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, जहां पे आप देख सकते हो आज उसी स्ट्रेटजी को अप्लाई करके ऑलमोस्ट 65,000 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट है। बेस्ट बात जानते हो गाइस क्या है, ये 65,000 रुपीज का प्रॉफिट करने के लिए हम लोगों के पास बस 1.5 लाख का कैपिटल का रिक्वायरमेंट था। और बेस्ट बात जानते हो गाइस क्या है, ये स्ट्रेटजी आज जो मैं आपको बताऊंगा ना, इतना स्पेशल स्ट्रेटजी है ना, जो आप लोग हर दिन हर टाइम यूज कर सकते हो, बस एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और भी बेस्ट बात जानते हो गाइस क्या है, इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए कम कैपिटल रिक्वायर्ड है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है गाइस। तो जितने भी ऑप्शन बायर है ना, आप सभी का फर्ज है, आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखो, मेरा फर्ज है कि इस वीडियो के एंड में आप सभी के साथ में एक ऐसा स्कैल्पिंग रिलेटेड स्ट्रेटजी शेयर करूं कि आप सब खुश हो जाओ। देखो भाई, एक सिंपल बात बोलता हूं, ये जो स्ट्रेटजी आज मैं बताऊंगा ना, ऐसा नहीं कि नया स्ट्रेटजी है, आप सबको पता है, बट इस स्ट्रेटजी को यूज करने का सही तरीका आपको नहीं पता है। कोई इस स्ट्रेटजी को एक्सपायरी के दिन में हीरो जीरो बोल के आपको चिपका रहा है, आप खुश हो रहे। कोई इस स्ट्रेटजी को आपको कोई एक्स वाई जेड स्ट्रेटजी बोल के चिपका रहा है, आप खुश हो रहे हो, बट कोई भी जेन्युइन वे नहीं बताया गाइस। आज मैं आपको पूरा एक प्रॉपर जेन्युइन वे बताऊंगा। तो चलो पहले मैं आपको बोर्ड में लेके चलता हूं, डिटेल में समझाता हूं, समझना और आगे बढ़ने का ट्राई करना। सबसे पहले देखो गाइस, अभी होपफुली आप लोगों के सामने ये बोर्ड विजिबल होगा। अब देखो गाइस, जब भी हम लोग निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, चाहे फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो हम लोगों के पास तीन स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन रहता है। एक रहता है ITM, सबसे ज्यादा फेमस, एक रहता है ATM, जिसको लोग यूजुअली अवॉइड करते हैं, एक रहता है OTM, जो मार्केट में सबसे ज्यादा बदनाम है। बट बिलीव मी गाइस, जितने कम कैपिटल वाले ट्रेडर है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना भाई, एक बात मान लो गाइस, ये जो ओटीएम होता है ना, इसमें ही सबसे ज्यादा दम है जितने स्मॉल कैपिटल लोग हैं। बट यूज करने का सही तरीका आना चाहिए। आज तो गाइस अपन ATM के ऊपर बात करेंगे, बट अगर गाइस आप सभी को ओटीएम स्ट्रेटजी जानना है, ओटीएम के बारे में जानना है, ओटीएम से रिलेटेड जितना स्ट्रेटजी आपको जानना है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो का लाइक एम है 3000 का। अगर 3000 लाइक इस वीडियो में आ जाता है, ओटीएम के ऊपर जैकपॉट स्ट्रेटजी मैं शेयर करूंगा। आज मैं ओपनली आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, आज का पूरा टॉपिक देखते हैं, क्या सेशन है, क्या स्ट्रेटजी यूज करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखो गाइस, इस स्ट्रेटजी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। क्या बाइंग करते हैं, हम लोग ATM को प्रेफरेंस लेते हुए दो स्ट्राइक प्राइस को बाइंग करते हैं। समझना, हम लोग इसमें कॉल को भी बाइंग करते हैं, हम लोग इसमें पुट को भी बाइंग करते हैं। अब मेजर लोगों को लग गया होगा, अरे मनीष भाई लॉन्ग स्ट्रैडल्स या फिर आप लोग लॉन्ग स्ट्रैंगल ही पढ़ा रहे होंगे। भाई मैं बोल रहा हूं, मैं लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल पढ़ा रहा हूं, बट मेन बात है कब अप्लाई करना है। पता है क्या है जो ऑप्शन बाय, पता है क्या मेन कब अप्लाई करना है, खुद बोलो पता है क्या आपको। क्या पता है कि एक्सपायरी के दिन पे जाके अप्लाई कर दूं, आपको क्या पता है कि हर कंडीशन में अप्लाई कर दूं, वो गलत तरीका है गाइस। इसको अप्लाई करने के लिए आपको एक इंडिकेटर का यूज करना पड़ता है। अगर आपने दो इंडिकेटर को कंबाइन करके इस स्ट्रेटजी को यूज किया ना भाई, लिख के दे सकता हूं ये स्ट्रेटजी। काफी लोग जो जीरो हीरो बोलते हैं ना, जीरो हीरो बोलते हैं ना, और बोलते हैं हर दिन अप्लाई करो, आप कभी कभी अप्लाई करोगे, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपका ये स्ट्रेटजी हीरो ही बनेगा। ठीक है, बट यूज करने का तरीका आना चाहिए। समझना, इस स्ट्रेटजी में हम लोग करते क्या है। देखो गाइस, पहले इस स्ट्रेटजी में हम लोग को ATM का नॉलेज होना चाहिए। ATM क्या होता है, मान करके चलो बैंक निफ्टी का स्पॉट, यानी जो मेन चार्ट होता है ना, जिस पे अपन एनालिसिस करते हैं, अगर बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट 41,000 पे चल रहा है, ठीक है, तो इसका ATM क्या हो गया, इसका ATM हो गया 41,000 ही इसका ATM हुआ। ठीक है, जो प्राइस पे चल रहा है उसी प्राइस को हम लोग ATM बोलते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रेटजी में हम लोग को करना क्या है, समझना, इस स्ट्रेटजी में हम लोग सिंपली जो मेरा ATM प्राइस है ना, ATM मान लो 41,000 चल रहा है, ATM से 200 पॉइंट ऊपर का CE बाइंग करेंगे, यानी कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली हो गया 41,200, और 200 पॉइंट नीचे का PE बाइंग करेंगे, कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली 40,800, इन दोनों को बाइंग करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस कंडीशन में बाइंग करना है, क्या करना है। अब सबसे पहले जानो, ये स्ट्रेटजी नुकसान कब देगा, खुद बताओ। ये स्ट्रेटजी नुकसान देगा जब मार्केट एक रेंज में फंस के रह जाए, तो ये स्ट्रेटजी नुकसान दे देता है, और रेंज में फंस के क्लोजिंग दे दे इसी रेंज में, तो नुकसान दे देता है। बट अगर ये स्ट्रेटजी किसी भी तरफ, मार्केट अगर मान लो रेंज में और किसी भी तरफ फटेगा, तो ये स्ट्रेटजी प्रॉफिट देता है। कैसे प्रॉफिट देता है, क्या होता है, समझाता हूं, रुक जाओ एक मिनट, रुको, स्क्रीन को आप लोगों के लिए क्लियर कर लेने दो। सबसे पहले गाइस, मैं आपको इस स्ट्रेटजी का एग्जांपल देके समझाता हूं, समझना। मान लो आपने बाइंग किया है 41,300 का कॉल, कितने में बाइंग किया होगा, मान लो 17 रुपए में आपने बाइंग किया। इमेजिन कर सकते हो,
मान लो सिमिलरली 40,900 का पुट आपने बाइंग किया, वो भी आपने 17 रुपए में बाइंग किया। क्यों दोनों 17 रुपए का पड़ा? क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों एट द मनी से 200 पॉइंट का डिफरेंस पे है। ठीक है, अब इमेजिन अ कंडीशन, ये आपने कब बाइंग करना है? जब मार्केट एक रेंज में ऑलरेडी हो। आप लोग यही गलती कर देते हो, ट्रेंडी मार्केट रहता है आप लोग बाइंग कर लेते हो। आपको कब बाइंग करना है? जब एक रेंज में मार्केट ऑलरेडी फंसा हो, तब जाके आप बाइंग करोगे। अब क्या होगा खुद सोच के देखना, अगर मार्केट इसी रेंज में ही क्लोजिंग दे दिया तो ये दोनों जीरो जीरो हो जाएगा, जितना आपका इसमें पैसा लगा था उतना का आपका नुकसान होगा। टोटल कितना होगा? 17 × 17 + 17 = 14 + 1 = 3, 34 पॉइंट्स का नुकसान होगा। बट इमेजिन अ कंडीशन, क्या कंडीशन इमेजिन करो कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे दे, किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे दे, तो क्या होगा? आपको क्या लगता है ये 17 क्या झटके से जीरो हो जाएगा क्या? कोई भी ऑप्शन का प्राइस झटके से जीरो नहीं होता है, वो झटके से घटेगा। मान लो ये 17 रुपए से घटके 5 रुपए हो गया, बट भाई ये 17 रुपए से बढ़ के मान करके चलो 50 से 60 रुपए बढ़ भी तो सकता है, ये भी तो इमेजिन करो। मान करके चल लो मार्केट आज के दिन पे क्या हुआ, मार्केट एक रेंज में था, झटके से नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, ये जो 17 रुपए का कॉल का प्रीमियम था ना, ये घटके हो गया 6 रुपए का, और ये जो 17 रुपए का पुट का प्रीमियम था वो बढ़ के हो गया ऑलमोस्ट 50 से 60 रुपए। तो आपका क्या हुआ गाइस, ये जो आपका 17 माइनस 6 करो कितना हुआ, 17 माइनस 6 करोगे तो कितना हुआ अप्रोक्सीमेटली, ये जो भी नंबर है ठीक है, मान करके चलो ये आपका आ गया 11। ठीक है, 11 पॉइंट का आपको कॉल ने नुकसान दिया, और वही पुट ने आपको कितने का प्रॉफिट दे दिया, पुट ने ऑलमोस्ट आपको 30 से 40 पॉइंट रुपीज का प्रॉफिट दे दिया। नेट टू नेट आप आराम से 30 से 40 पॉइंट रुपीज का प्रॉफिट कमाए, एकदम इजी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ नहीं। अब कैसे यूज करते हैं ये स्ट्रेटजी को, कब यूज करते हैं, ये स्ट्रेटजी का जेन्युइन वे क्या है यूज करने का, वो समझना। इसके लिए चलो मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में लेके चलता हूं। सो गाइस, आप लोगों को यहां पे बैंक निफ्टी का चार्ट दिखता होगा। अब इस स्ट्रेटजी को यूज कैसे करते हैं, नंबर वन रूल, ये स्ट्रेटजी को ना 5 मिनट ना 15 मिनट ना 25 मिनट कहीं नहीं, 1 मिनट में यूज करेंगे। नंबर टू रूल, इस स्ट्रेटजी को यूज करने के बाद ट्रेड को पकड़ के नहीं बैठेंगे, ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी मेरे लिए स्कैल्पिंग है। मार्केट रेंज में है, स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे, रेंज ब्रेकआउट देगा, थोड़ा टाइम मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाएगा, मैं प्रॉफिट बुक करके निकलूंगा, ये मेरा रूल है। तो पहला रूल क्या, 1 मिनट टाइम फ्रेम। दूसरा रूल क्या, ट्रेड को ज्यादा टाइम होल्ड नहीं करना है, प्रॉफिट में जाएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट में जाए, कितने पॉइंट का प्रॉफिट, थोड़ा प्रॉफिट कितना होता है, नेट टू नेट अगर आप 30 से 40 पॉइंट कमा रहे हो यू शुड बी आउट ऑफ द मार्केट। कैसे अप्लाई करना है, इस स्ट्रेटजी को यूज करने का सही तरीका क्या है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम। इंडिकेटर कौन सा यूज करना जानते हो, मेरा पर्सनल फेवरेट इंडिकेटर है, यहां पे आपको लिखा हुआ दिखता होगा बोलिंजर बैंड। कैसे यूज करना है, चुपचाप इंडिकेटर में जाना, यहां पे टाइप करना, यहां पे मैं आपको टाइप करके दिखलाता हूं, ये देखो बी, ओ देखो बोलिंजर बैंड आ गया, बी लिखते साथ ये बोलिंजर बैंड आ गया, ये आपको यूज करना है। मनीष भाई क्या सेटिंग में यूज करना है, कोई सेटिंग मत चेंज करना, क्लिक करना, क्लिक करते साथ बोलिंजर बैंड आपको यहां दिख जाएगा, बस यही सेटिंग रहने देना। ठीक है, मैं एक हटा देता हूं, एक रहने देता हूं, बोलिंजर बैंड क्लिक किया, बोलिंजर बैंड आ गया। दूसरा कौन सा इंडिकेटर यूज करना है, 200 डीएमए 50 डीएमए का क्रॉसओवर यूज करना है। दो अलग अलग इंडिकेटर आज तक यूज करते आए हो, दोनों का क्रॉसओवर वाला इंडिकेटर लेना है। कहां से लोगे, इंडेक्सेस में जाओगे, यहां पे जाने के बाद देखो दिख रहा ईएमए क्रॉस 50/200, ये दो इंडिकेटर यूज करना है। कौन कौन सा, बोलिंजर बैंड, ईएमए क्रॉस 50/200। यूज कैसे करना है देखो गाइस, जब भी बोलिंजर बैंड इस वे में कॉन्ट्रास्ट होता हुआ आपको दिखेगा, दिख रहा है यहां पे बोलिंजर बैंड आपको पूरा कॉन्ट्रास्ट होता हुआ दिखा है। कॉन्ट्रास्ट होता हुआ मतलब क्या, जब कोई भी बोलिंजर बैंड हम लोगों को इस टाइप का स्क्वीज होता हुआ दिखेगा, अगर मैं आपको दिखलाऊं ये देखो, यहां पे देखो बोलिंजर बैंड का लेंथ कितना वाइड था, यहां पे देखो वाइड था, बट यहां देखो बोलिंजर बैंड स्क्वीज होना स्टार्ट हो गया। चलो मनीष भाई, बोलिंजर बैंड स्क्वीज होना स्टार्ट हो गया, और क्या देखना है, बोलिंजर बैंड स्क्वीज के साथ साथ आप देखो यहां पे 50 डीएमए, ये रेड लाइन 50 डीएमए, ये ब्लू लाइन 200 डीएमए, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो कितना ज्यादा है। मैं काम करता हूं, पुराना सारा ड्रॉइंग हटाता हूं, आपको फ्रेश बताता हूं, देखो समझना, ये देखो ये बोलिंजर बैंड, ये जो ब्लू वाला पूरा एरिया है ना, ये बोलिंजर बैंड है। जब भी बोलिंजर बैंड आपको इस टाइप का कॉन्ट्रास्ट होता हुआ दिखेगा, आपको ये स्ट्रेटजी यूज करना आपको पता लग जाना चाहिए। पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन क्या, ये जो ईएमए क्रॉस 50/200 मैंने ऐड कराया ना, इसको यूज करना आना चाहिए। कैसे यूज करोगे, जब भी देखो 50 × 200 के ईएमए के बीच में इतना डिस्टेंस है, यूज करोगे क्या, मत करना। बोलिंजर बैंड कितना भी स्क्वीज हो जाए यूज मत करना। कब यूज करोगे, जब देखो बोलिंजर बैंड के अंदर 50 और 200 डीएमए दोनों आ जाए, बोलिंजर बैंड के अंदर 50 और 200 डीएमए दोनों आ जाए और बोलिंजर बैंड स्क्वीज होता हुआ हो, तब हम लोग ये स्ट्रेटजी को यूज कर देते हैं।
यूज किया गया यहां पे, देखो दोनों बोलिंजर बैंड के अंदर आ गया, यहां पे बोलिंजर बैंड का सबसे ज्यादा स्क्वीज हुआ तो ईएमए 50 और 200 दोनों साथ आ गया, दैसी ही साथ आएगा, आपको स्ट्रेटजी अप्लाई कर देना है। अप्लाई करोगे मार्केट दैसी एक तरफा रैली देगा, ब्रेकआउट देगा, आप अगर नेट टू नेट 30 से 40 पॉइंट का प्रीमियम कमा रहे हो, आप अगर नेट टू नेट 30 से 40 पॉइंट का प्रीमियम कमा रहे हो, यू शुड बी आउट ऑफ द मार्केट। गलती कहां हो जाते हैं स्ट्रेटजी में, लोग होल्ड करके रह जाते हैं, होल्ड करके रह जाओगे तो क्या होगा, यहां पे देखो आपको दिख रहा 40,000 का पुट है, 40,900 का, 41,300 का कॉल है, देखो डे एंड में दोनों जीरो हो गया। बट अगर आप लोग देखोगे टेलीग्राम कम्युनिटी में जब मैंने ये ट्रेड दिया था, ये देखो टेलीग्राम कम्युनिटी में जब मैंने ट्रेड दिया था दोनों 17-17 रुपए पे था, ठीक है। अब अगर आप देखोगे एक हुआ, एक 17 रुपए से बढ़ के 60 रुपए गया, तो दूसरा भाई 17 रुपए से घट के मैक्सिमम गिरा तो भाई 5 से 6 रुपए गिरा, नेट टू नेट इसमें भी बहुत अच्छा पैसा कमाया गया। मैं तो एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि 5 से 6 रुपए गिरा भाई, उससे कम गिरा था, उसके पहले ही हमारा पुट बहुत अच्छा चढ़ गया। तो ये काफी सिंपल स्ट्रेटजी है गाइस, हर बार जब भी आपको बोलिंजर बैंड ऐसा स्क्वीज होता हुआ दिखे, जो जिस भी दिन, ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्क्वीज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और 200 डीएमए और 50 डीएमए साथ आ गया हो, जब भी दिखे, मान करके चल लो, ये देखो परफेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट एग्जांपल, यहां पे देखो अगेन यहां पे हम लोग को बोलिंजर बैंड स्क्वीज होता हुआ दिखा, बट क्या 50 डीएमए 200 डीएमए साथ आया क्या, नहीं आया, तो क्या हुआ, बोलिंजर बैंड ऊपर नीचे वोलेटिलिटी में ही परेशान कर दिया। ट्रेंडी अगर बोलिंजर बैंड को होना है, मैं अगर आपको दिखलाऊं ट्रेंडी होना है तो एक रफ आइडिया के तौर पर अगर कहीं पर भी देखा जाए, ये देखो बेस्ट बोलिंजर बैंड भी दोनों साथ में, बोलिंजर बैंड का भी यहां पर हम लोग एक अच्छा स्क्वीज देखने को मिला, देखो 50 डीएमए 200 डीएमए साथ आया, जब भी ब्लास्ट दिया देखो कितना देर कंटिन्यूअसली ऊपर तक गया, ठीक है, हर बार काम करेगा ही करेगा, क्योंकि ये रूल है भाई, ये साइंस का रूल है कि अगर आप स्प्रिंग को दबाओगे तो छोड़ने के बाद वो ऊपर भागेगा ही भागेगा, बट नुकसान कब हो जाता है आपको पता ही नहीं कि यार स्प्रिंग को छोड़ा कब जाएगा, तो छोड़ा तभी जाएगा जब ईएमए क्रॉसओवर दोनों स्प्रिंग के अंदर घुस जाए, यानी बोलिंजर बैंड के अंदर घुस जाए, घुसेगा छूटेगा आप पैसा कमाओगे, समझ में आया। बैंक निफ्टी में हम लोग 200 पॉइंट के डिफरेंस में करते हैं, निफ्टी में सेम स्ट्रेटजी को हम लोग 100 टू 50 पॉइंट के डिफरेंस में करते हैं, हर एक्सपायरी में तो यूज करना ही चाहिए, कोई टाइम रूल नहीं है गाइस कि 10 बजे करेंगे कि 11 बजे करेंगे कि 12 बजे करेंगे कि सेकंड हाफ में करेंगे, जब भी आपको बोलिंजर बैंड स्क्वीज दिखे आप ये स्ट्रेटजी आराम से अप्लाई कर सकते हो। ये गाइस एक जस्ट डेमो मैंने आपको बताया, अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा, आज का ये जो मेरा इनिशिएटिव है आपको पढ़ाने का वो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करो, 3000 लाइक का टारगेट आप लोग पूरा करो, नेक्स्ट वीडियो ओटीएम के ऊपर काफी प्यारा प्रोवाइड करूंगा, ओटीएम स्ट्रेटजीज के ऊपर। आज का ये वीडियो कैसा लगा, एक मिनट का टाइम लगे कमेंट में बताओ, तो थोड़ा जो भी फीडबैक है बताओ, इसी तरीके का और भी लर्निंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत गाइस।